यूपी में एक बार फिर एक ट्रेन को निशाना बनाने की कोशिश की गई। अब तक 10 लोग हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे लगातार पूछताछ हो रही है। 2 इसमें हिस्ट्री शीटर हैं। पटरी पर गैस सिलेंडर रख दिया गया जो फटा नहीं। सिलेंडर फटता तो बड़ा हादसा हो सकता था। अब साजिश के एंगल से जांच की जा रही है। एंटी टेररिस्ट टीम के आला अफसर मौके पर पहुंचे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी खबर दे दी गई। कुल 10 संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। एटीएस आईजी ने थाने से जानकारी ली है। मौके पर यह पेट्रोल और बारूद मिला था। एक बड़ा हादसा होते होते यहां टल गया है। पेट्रोल और माचिस की बरामदगी की गई है और मौके पर अब भी पड़ताल जारी है, जहां पर आला अफसर पहुंचे हैं। कारिंदी ट्रेन बचा ली गई है। कुछ इसमें ड्राइवर की भी सूझबूझ थी, जिसने सिलेंडर के टकराते ही ट्रेन को रोक दिया था। पटरी पर गैस से भरा सिलेंडर, पटरी पर बारूद, एक बोतल में भरा पेट्रोल, पटरी पर माचिस, पटरी पर एक रहस्यमय बैग। कानपुर के करीब ठीक इसी जगह पर रविवार की रात करीब 8:30 बजे पटरी से जब कालिंदी एक्सप्रेस गुजरी तो एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बची। पटरी पर एलपीजी सिलेंडर पड़ा हुआ था। गनीमत रही कि ड्राइवर ने वक्त रहते इस सिलेंडर को देख लिया और इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, लेकिन तब भी करीब 50 मीटर तक सिलेंडर ट्रेन के साथ घिसटते हुए चला गया। इसके बाद पटरी से नीचे गिर गया। सिलेंडर अगर पटरी पर फट जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। जो भी सामान पटरी पर बरामद हुआ उससे साफ है कि किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की पूरी तैयारी थी। कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है, सभी की जो है समीक्षा की जा रही है और इसमें जो है वो रेलवे अथॉरिटीज ने जो हमें कम्युनिकेट किया है उसके आधार पे हम लोग जो है नियमानुसार इसमें जो कठोरतम कार्रवाई अमल में लाएंगे। जिस तरह से ट्रेन को पलटाने की कोशिश कहें, क्या उससे आतंकी साजिश की बू नहीं आ रही? अभी सभी बिंदुओं पे जो है वो हमारी टीमें जांच कर रही हैं और जो हमारी फोरेंसिक की टीम है वो बहुत डिटेल्ड में जो है वो पूरे घटनास्थल को बारीकी से देख रही है। जिन लोगों ने जो है वो घटना को अंजाम दिया है, संभवतः जो है जो भी घटना हुई है उसको हम लोग जो है वो कोरिलेट करके और उसमें जो कार्रवाई होगी वो की जाए। वो सूचित किया गया कि एक ट्रेन जो प्रयागराज से भिवानी की तरफ जाती है और इस रूट से जो है वो गुजर रही थी, तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। फिर आरपीएफ के लोग आए, उन्होंने जो है अपना मौका मुआयना किया और लोकल पुलिस को सूचित किया। अनवरगंज कासगंज रेलवे लाइन पर बर्राजपुर और बिल्हौर के बीच कालिंदी एक्सप्रेस गुजर रही थी। लोको पायलट ने बताया कि उसे ट्रैक पर कोई संदिग्ध चीज दिखाई दी, जिसके बाद उसने ब्रेक मारा, लेकिन इसके बाद भी वो चीज ट्रेन से टकरा गई, जिससे काफी तेज आवाज हुई। ड्राइवर ने ट्रेन रोककर गार्ड और बाकी लोगों को इसकी सूचना दी। इस घटना की जांच के लिए आतंक विरोधी दस्ता और अन्य एजेंसियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। रेलवे भी अपने स्तर पर जांच कर रहा। मामले का अभी पूरी तरह खुलासा होना बाकी है, लेकिन जो सामान बरामद हुए उससे साफ है कि ये सोची समझी साजिश है। बार बार भारतीय रेलवे को निशाना बनाने की कोशिश हो रही। कानपुर से सिमर चावला के साथ आज तक ब्यूरो। सिमर चावला मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सिमर, तफ्तीश कहां तक पहुंची है, एटीएस की जांच कहां तक पहुंची है और इसमें किस एंगल से जांच की जा रही है? टेररिस्ट एंगल से जांच की जा रही है? बिल्कुल नया, हम लोगों ने यही सवाल जो आला अधिकारी हैं उनसे पूछा था, तो उनका सिंपल जवाब है कि आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल उस पहलू पे जांच की जा रही है और अगर एटीएस जैसी एजेंसीज अपनी पूरी ताकत के साथ ग्राउंड पे आके मुआयना करती है, उसके बाद उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग करती है और लगातार जांच करती है, तो कहीं ना कहीं ये एक अपने आप से संदेश है कि आतंकी जो एंगल है उस पर भी पूरी जांच जो है वो फोकस्ड है। मैं आपको बता दूं कि एटीएस अपनी एक विस्तृत जांच तो कर ही रहा है, इसके साथ कानपुर पुलिस ने भी एसआईटी का गठन कर दिया है। 5 टीमें हैं वो बनाई गई हैं, साथ ही साथ छापेमारी जो है वो शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं जो संदिग्ध है करीबन 10 संदिग्धों को उठाकर अलग अलग थानों में फिलहाल कानपुर पुलिस पूछताछ कर रही है, जिसमें से 2 हिस्ट्री शीटर को पहले ही उठाया गया था और उनसे मिली जानकारी के अनुसार 8 और लोगों को उठाया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है।
जो आस पास यहाँ पर बिल्लौर से कुछ किलोमीटर दूर एक मजार है जहाँ पर जमाती आते हैं और अपना वहाँ पर देश भर से जमाती आते हैं और मजार पे अपना सर झुकाते हैं। वहाँ उस इलाके में भी पुलिस लगातार जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है कि कोई ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है जो जिसको यहाँ नहीं होना चाहिए था, उस पर भी जांच हो रही है। फिलहाल मैं आपको दिखाऊंगा पीछे, अगर आप देखेंगे ये रेलवे ट्रैक का ये मंजर है फिलहाल अभी का। कल शाम को जो है वो हादसा हुआ था, अभी भी अगर आप देखेंगे तो पुलिस की लगातार मौजूदगी यहाँ पर बनी हुई है, घटनास्थल के बाहर इनको डिप्लॉय करा गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस एरिया को समझिए, बगल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी झाड़ियाँ हैं, राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी झाड़ियाँ हैं। एक नेचुरल शेड जो है वो मिल जाता है, यानी कि जिस तरह जब यहाँ पे घटना हुई उस वक्त यहाँ पर ना तो कोई लाइट थी, बिल्कुल अंधेरा था। अगर दाएं और बाएं से कोई यहाँ पे झांकना भी चाहे रोड से तो वो भी नहीं झांक सकता। तो एक तरीके से बोल दिया जाए कि चुन के वो स्पॉट चुना गया जहाँ पे इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जाए। ये पुलिस सूत्रों का कहना है कि बिल्कुल इस तरीके की जो मोटर सप्रेंड है वो की गई होगी। ये वो एरिया है जहाँ पर ये पूरा सामान, चाहे वो पेट्रोल बम हो, चाहे वो एक्सप्लोजिव हो, चाहे वो बारूद हो, इस जगह पर मिला। और इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यही वो जगह है जहाँ पर सिलेंडर को ट्रैक पर रखा गया था। यहाँ पे अगर आप देखें दाएं तरफ देखेंगे तो सिर्फ झाड़ियां ही झाड़ियां हैं, यहाँ पर कोई आने की इतनी रात को किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं है। बाएं तरफ अगर आप देखेंगे तो हाईवे से काफी दूर झाड़ियों के बीच में ये पूरा स्पॉट है जो सूचना के अनुसार जानबूझकर चुना गया था, ताकि जब यहाँ पर घटना हो या इस तरीके का कोई शरारती तत्व या फिर कोई साजिश करने वाला हो तो उसको लोग ना देखने पाए। फिलहाल आसपास यहाँ पर कोई कैमरास भी नहीं है, ना कोई लाइट जल रही है।